बेबी बेबी उठो ना। तुम्हें पता है मैंने रात में सपना देखा कि तुमने मुझे डायमंड का नेकलेस गिफ्ट किया है। अच्छा फिर सपना देख फिर क्या, मेरी आंख खुली और सपना टूट गया। तुम्हें तो पता ही है मुझे नेकलेस का कितना शौक है और मैं वो पहन भी नहीं पाई। पर आज तो वैलेंटाइंस डे है तो तुम मुझे वो नेकलेस गिफ्ट करोगे ना, है ना? लेकिन बेबी इसमें इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, आज रात को जब सोओगी ना तो नेकलेस पहन के भी देख लेना, क्यों बेफालतू में खर्चा करना, अपने शौक तो पूरे करो, है ना? गुड नाइट। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब, मैं हूं संगीता। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूं, हाफ इंजीनियरिंग की वीडियो पर रिएक्ट करने वाली हूं। इस वीडियो का टाइटल है कपल्स ऑन वैलेंटाइन डे, जो कि वैलेंटाइन निकल चुका है। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, या पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। आप मेरे चैनल पर नए पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फेसबुक दोनों को फॉलो कर सकते हैं, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और वैलेंटाइन डे निकल चुका है और आप हुआ वैलेंटाइन डे सिंगल निकला है या किसी गर्लफ्रेंड के साथ निकला है, या के मतलब या गर्लफ्रेंड पति है उस दिन वैलेंटाइन डे को, या मतलब प्यार हुआ है, कुछ भी हुआ है या प्रपोज किया है, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और चलते वीडियो को स्टार्ट करते, देखते हैं हाफ बिरयानी की। मैं पहली बार मैं रिएक्ट करने जा रही हूँ हाफ इंजीनियर की वीडियो पर। सो चलते हैं कैसी वीडियो है, फनी टाइप की वीडियो होती होगी, कपल्स ऑन मतलब वैलेंटाइन डे की है तो बहुत ही मस्त वीडियो। चलते वीडियो को स्टार्ट करते, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भाई मैंने ना मेरा, तो कल किसी भी बढ़िया से होटल में रूम बुक करवा दे जिसमें एक बालकनी हो और बाथरूम में वो बड़े वाला टब हो करें जिसमें लेट लेट के नहाए करें, क्या बोले करें उसे, अरे जकूजी, हाँ वही जकूजी पकूजी जो भी होता है उसका जुगाड़ जरूर होना चाहिए। याद रखियो तेरी भाभी ने लेकर आऊंगा, कुछ गड़बड़ ना हो जानी चाहिए। ठीक है तो फिर कल मिलते हैं, हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, तू भी करके रख, फिर कल का सीन बनाते हैं, ठीक है? बाय बेबी, पूरा सब कुछ सेट हो गया है, अब बस ना कल तुम टाइम पर आ जाना। उसके लिए क्या करना, आज जल्दी घर जाके थोड़े बहुत घर के काम कर लेना और पढ़ाई करने लग जाना ताकि घर वालों को शक ना हो। हाँ बेबी तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आज ही घर जाके ना झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कर दूंगी, मम्मी भी खुश हो जाएंगी। और एक बात ध्यान रखना, आज ही बोल देना घर पे कि कल कॉलेज जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, असाइनमेंट सबमिट करवाना, उसकी लास्ट डेट है, वरना घर वाले आना देंगे, शक करेंगे। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये आइडिया अच्छा है, एक काम करते हैं अभी चलते हैं, कल मिलते हैं, है ना? कहाँ जा रहा है पापा? वो पापा कॉलेज जा रहा हूँ, आज असाइनमेंट सबमिट कराना है, लास्ट डेट है, अगर आज नहीं दिया तो फाइन लग जाएगा 2000 करोड़ रुपए का। अरे चला जी, आ जा 5 मिनट बैठ जा। नहीं पापा जी, लेट हो रहा हूँ थोड़ा सा, मैं आके मिल लूंगा ना आपसे। अरे कोई दिक्कत ना, आ जा बैठ जा। अच्छा ठीक है। हाँ बेटा कहाँ जा रहा है? अभी तो बताया था पापा जी, कॉलेज जा रहा हूँ बस। अरे सच सच बता दे कहाँ जा रहा है। सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको, झूठ क्यों बोलूंगा, असाइनमेंट जमा कराना ना आज लास्ट डेट है। अरे बेटा जब हम तेरी उम्र के थे ना, हमने भी खूब असाइनमेंट जमा करवाए हैं, और मेरे ते कैसा शर्माना, अब पहले वाला जमाना आ गया जो माँ बाप की शर्म करा करे थे, अब तो दोस्त की तरह बात करे करे, अगर तू मुझे अपना दोस्त ना समझे तो बेशक मत बता भाई। नहीं नहीं पापा जी, मैं तो सोच रहा था कि आप गुस्सा करोगे इसलिए छुपा रहा था, मैं तो गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। कही थी ना अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। कहाँ जा रहा है वैसे? रूम बुक कर रखा साले, मैं करवाऊंगा सारी आज की। मार क्यों है पापा जी? अरे सोटा लेगा इसकी, मैं काटू आज की आज। क्या यार तुम हमेशा अपने फोन में लगे रहते हो, तुम्हें पता भी है कल क्या है? कल क्या है? कल तो 14 फरवरी है। और क्या है? और क्या है? ओ कल तो संडे है, कल तो मैच है मेरा 500 रुपए का बैट बॉल का अफरीदी के साथ, अगर कल का मैच जीत गए ना तो पैसा ही पैसा होएगा, और उन पैसों से ना तेरे लिए एक दर्जन केले लेकर आऊंगा, तेरा दिल खुश हो जाएगा। और खास बात पता है क्या है, अगर हम जीत गए तो उनसे पैसे ले लूंगा, लेकिन अगर हम हार गए तो पैसे दिया बिना ही भाग जाऊंगा। क्या हुआ तू नाराज क्यों हो रही है, केले नहीं चाहिए क्या तुझे, कुछ और ला दूं?
मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे केले में, अपना केला अपने पास रखो। योर कल वैलेंटाइंस डे है। ओ तो ये बात है, तो फिर ऐसे बोलना, घुमा फिरा के बात क्यों करती है? तो बता फिर क्या सीन है कल का? वो तो तुम बताओगे ना, मैं तो कैसे भी रेडी हूँ। तो फिर एक काम करते हैं, मेरे एक दोस्त ने ना ढाबा खोला है, उसके वहाँ चलेंगे और मक्के की रोटी और सरसों का साग खिलाऊंगा तुझे, तो आंगली चाटती रह जाएगी। मुझे नहीं खाना कोई साग वाग, तुम हमेशा ये फालतू की बातें करते रहोगे क्या? कभी रोमांटिक नहीं हो सकते तुम? यार बेबी मुझे पता नहीं इन चीजों का, तुम ही बता दो एक काम करो क्या करना है। मैं क्या कह रही थी ना, चलो कोई होटल बुक कर लेते हैं। बस इतनी सी बात, तो पहले क्यों ना बताया, होटल तो मेरे दोस्त प्रदीप का है ही, चल वहाँ चलते हैं। और कल क्या फिर आज ही बुक कर लेते हैं, अभी चलते हैं। सच्ची? हाँ हाँ, इसमें झूठ बोलने क्या बात है, आ जा। हाँ जी सर बोलिए। भाई एक रूम चाहिए था। हाँ मिल जाएगा, आप एक काम करिए अपनी और मैडम की आईडी मुझे सेंड कर दीजिए। आईडी? आईडी देने क्या बात है, मेरे दोस्त प्रदीप का ही तो होटल है। तेरी बात कर रहा हूँ, एक मिनट रुक। यार क्या बेबी तुम हर किसी से लड़ने में लगे रहते हो, आईडी तो मांग रहे, दे देते है ना। अच्छा भैया मुझे बताओ, मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ। अरे क्या जरूरत थी यार, तू भी ना। ये इतने सारे गुब्बारे किसने बखेर रखे हैं? रुक जा, अब नहीं उतारेगी, मैं जीत गया। जीत गए मतलब? मतलब मैंने टी शर्ट पहले उतार दी ना, अब तू मेरी कमर पे खुजाएगी। यार वैसे भी बहुत तेज खुजली चल रही है, नाखून तक खुजेगी। मैं कमर खुजाएगी? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? देख ले, मैंने पता था तू ऐसी चीटिंग करेगी, इसलिए ना खेलूं मैं तेरे साथ, आज के बाद खेलूंगा बिना और। अबे पागल बेबी एक बात बताओ, तुम्हें रोज डे पर रोज किसने दिया? तुमने बेबी। और चॉकलेट डे पर चॉकलेट किसने दी? तुमने बेबी। और टेडी डे पर टेडी बियर किसने दिया? ऑब्वियसली बेबी तुमने। तो आज किस डे है, आज तुम्हें किस कौन देगा? तुम बेबी। अरे पागल हो गए क्या, कैसी बातें कर रहे हो तुम? कैसी बात कर रहे हो क्या मतलब, किसी तो मांग रहा हूँ यहाँ, कोई देख लेगा तो? अरे बेबी देखने के लिए कोई होना भी तो चाहिए, यहाँ तो दूर दूर तक कोई है ही नहीं, कोई नहीं देख रहा, चलो फटाफट चेक कर लेते हैं। अरे नहीं नहीं, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो? किस करने से कौन प्रेग्नेंट होता है, कैसी बातें कर रही हो बेबी तुम, चलो ना एक कर लेते हैं फटाफट। अरे नहीं नहीं, ये सब शादी के बाद। शादी के बाद? हाँ। इसका मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना, तुम्हें ये लगता होगा कि पता नहीं शादी करेगा या नहीं करेगा, लेकिन आज मैं तुम्हारा ये बहम दूर कर देता हूँ। थोड़ी देर के लिए इस गुटके को गुटका नहीं सिंदूर समझो, और आज ये सिंदूर मैं तुम्हारी मांग में भर के तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। अब तो कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझसे असली वाली शादी भी करोगे ना? हाँ हाँ बेबी, तुमसे ही तो करूंगा शादी, और किससे करूंगा। अच्छा तो फिर टूट पड़ो। कहाँ रह गया तेरा बॉयफ्रेंड, आज के दिन भी तुझसे वेट कर आ रहा है, आज तो वैलेंटाइंस डे है। अरे नहीं यार, उसने मुझे बताया था उसको घर पे कुछ काम है, बस आता ही होगा। काम है? काम तुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया उसके लिए? मेरे बॉयफ्रेंड को देख, सुबह से मुझे कॉल किया जा रहा है, बट मैंने भी बोल दिया जब तक डायमंड रिंग नहीं लेके आएगा ना मेरे लिए मैं भी नहीं मिलूंगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, बस आता ही होगा। फिर भी यार देख, तेरा बॉयफ्रेंड तुझे ही वेट करा रहा है। सॉरी यार मैं थोड़ा सा लेट हो गया, वो मम्मी ने ना कुछ काम बता दिया था, मैं वो करने लग गया। यार तुम आज के दिन भी लेट हो गए, आज वैलेंटाइंस डे है, इसका बॉयफ्रेंड इसको डायमंड की रिंग दे रहा है, और तुम क्या लेके आए हो मेरे लिए, और ऊपर से ना इसका बॉयफ्रेंड उसको सुबह से कॉल कर रहा है मिलने के लिए, और तुम यहाँ मुझे वेट करवा रहे हो। देख लेट होने का तो ऐसा है, मैंने तेरे को पहले बता दिया था मेरे को घर पे कुछ काम है। रही बात वैलेंटाइंस डे की, तो प्यार करने वालों के लिए तो साल के 365 दिन ही वैलेंटाइंस डे हुए करे, वो तो इन जैसे लोगों के चोचले हैं जो एक दिन दिखावा करने में यकीन करते हैं, क्योंकि ऐसे रिलेशन में इन दोनों को ही पता होता है कि एक दूसरे के साथ टाइम पास कर रहे हैं।
रही बात तेरे गिफ्ट की, तो डायमंड की रिंग तो 10-12 हजार रुपए की भी आ जावे, लेकिन सच्चा प्यार किस्मत वालों ने मिले करे। और वैसे भी एक बार तेरा मेरा ब्याह होगा तो पूरा शहर तेरा ही है। क्यों भाई, चले अब? भैया लास्ट वाले सीन में बहुत ही मस्त, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा बोला कि मतलब प्यार अगर हम दोनों में प्यार होना चाहिए तो 365 दिन वैलेंटाइन डे ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि वैलेंटाइन डे पर मतलब प्यार करना चाहिए, प्रपोज करना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं है। आप एक दूसरे से प्यार करते तो कभी भी वैलेंटाइन डे मना सकते हो। जो प्रपोज डे, हक डे, किस डे, फलाने डे, रखाने डे, जो सब डे आते हैं वो कभी भी मना सकते हैं। प्यार होना चाहिए एक दूसरे के अंदर। प्यार नहीं है तो ये वैलेंटाइन डे जो जितने फलान डे आते हैं उसमें मतलब कुछ भी नहीं है। और ऐसे झूठा मूठा तो सब कोई मतलब प्रपोज कर देता है, किस डे कर देता है, हर चीज़ कर देता है, बट उसमें रियलिटी होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए कि मतलब वैलेंटाइन डे तो उस दिन रिंग दो दो वो दो। मतलब एक लड़के ऐसी होती हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड रिंग ला रहा, मेरा बॉयफ्रेंड कपड़े ला रहा, मेरा बॉयफ्रेंड ये वो, मतलब प्यार है तो मतलब सब कुछ है, प्यार नहीं है तो मतलब सब कुछ बेकार है। जो इसने लाइन बीच में मतलब लास्ट में बोली बहुत ही अच्छी बोली। और हाँ, जो मैं तो इसमें खो गई थी, जो आपने शुरू में से देखा है कपिल मतलब वैलेंटाइन डे नब्बे निब्बी वाला, मुझे तो बहुत ही अच्छा सीन लगा। उसमें गुटखा फाड़ा उमंग वाली है ऐसी, यार गुटखा फाड़ के सिंदूर कौन बनाता है। और गाइस कैसी लगी वीडियो, वीडियो ऐसी लगी प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं या पहली बार कपिल्स ऑन वैलेंटाइन देख मैं आपने मतलब देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और इसमें कौन सा पार्ट मतलब कौन सा सीन अच्छा लगा, और आप लोग ऐसा मतलब आप लोगों को अगर प्यार मिलता है, सच्चा प्यार मिलता है तो उसको मतलब कभी मत छोड़ना अपनी लाइफ में, हमेशा उसको बनाए रखना। चलते वीडियो को ये समाप्त करते, जल्दी मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।